देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में यहाँ पे देखिए आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है, देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 36, 72, 46, 42, 60, 45, 53, 46, 51, 49। तो हम लोग पहले आंकड़े का बढ़ता हुआ क्रम लिख लेते हैं, आंकड़े का आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या हो जाएगा। तो सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटा इसमें 36 ही दिख रहा है मुझे, 36 लिख देंगे। 36 के बाद देखिए इसके बाद यहाँ पे अब आपका 42 है, एक ही बार है ना 42, हाँ। चलिए अब इसके बाद देखिए इसमें 45 दिख रहा है, एक ही बार है 45। 45 के बाद इसमें 46 दिख रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, दो बार है 46, 46, 46, 46 के बाद 49 देखिए इसमें, 49 किधर है, ये रहा 49, एक ही बार है। और फिर इसके बाद इससे बड़ा 51 है, एक ही बार है। 51 से बड़ा 53 दिख रहा है, एक ही बार है। 53 के बाद इसमें आप देख लीजिए, 53 के बाद और 53 से बड़ा यहाँ पे 60 दिख रहा है, एक ही बार है। और फिर उससे बड़ा एक, ये 72 बच गया, 72 हो गया। देख लीजिए 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 हो गया, आरोही क्रम में हो गया। अब देखिए 10 है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माध्यिका इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, माध्यिका इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, माध्यिका इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 फॉर्मूला हो जाएगा, n/2वां पद, सम होता है तो यही ना हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, n/2वां पद प्लस में n/2+1वां पद, यही ना होता है जी, 1/2 ब्रैकेट में n की जगह पे 10 हो जाएगा ना, 10 पद है इसमें टोटल, 10/2वां पद और फिर प्लस में 10/2+1वां पद। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा पांचवा पद, यहाँ 5+1वां पद, तो 1/2 पांचवा पद और प्लस में यहाँ छठवां पद, तो पांचवा और छठवां पद देखिए, छठा पद पांचवा और छठा पद, तो पांचवा पद इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो 46 और 49, छठा पद 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे 95 रह जाएगा और बट्टा में 2, तो दशमलव में कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 47.5। तो यह आपका माध्यिका हो गया, ये माध्यिका निकल गया। तो हमें निकालना है मीन डेविएशन ना माध्यिका के सापेक्ष, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n और यहाँ हो जाएगा मोड में एक्स आई माइनस माध्यिका और बट्टा में n। चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हर एक चर मानों में से माध्यिका को घटाएंगे मोड में करके और उनका योग और बट्टा में n, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 36 माइनस का 47.5 मोड में, फिर प्लस 42 माइनस का 47.5 मोड में, फिर प्लस 45 माइनस का 47.5 मोड में, ठीक है, और फिर 45 के बाद है 46, तो 46 माइनस का 47.5 मोड में, फिर प्लस 46 एक बार और है 46 माइनस का 47.5 ये मोड में। अच्छा उसके बाद 49 है तो मोड में यहाँ देते हैं 49 माइनस का 47.5 मोड में, फिर प्लस 49 के बाद यहाँ पे देखिए क्या है, ऊपर 49 के बाद 51 था ना, 51 माइनस का 47.5, 51 के बाद क्या था जी, तो 51 के बाद है 53, 60 और उसके बाद 72, तो हो जाएगा यहाँ पर 53 माइनस का 47.5 प्लस यहाँ पर 60 था उसके बाद, 60 माइनस का 47.5 और फिर प्लस में 60 के बाद था 72 माइनस का 47.5 मोड में, और बटा में इसकी संख्या यानी कि 10 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी बात देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये घटाएंगे और मोड के अंदर जो आएगा यहाँ पर माइनस का 11.5 आ जाएगा, और जो कि मोड है तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, 11.5 प्लस यहाँ पर घटा लेंगे तो माइनस का 5.5 आएगा, लेकिन मोड में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 5.5, फिर आपका यहाँ आ जाएगा 2.5, फिर
फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका 1.5, फिर प्लस 1.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5, फिर उसके बाद 3.5, फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 5.5, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 12.5, और फिर आपका यहाँ हो जाएगा कितना, तो आ जाएगा 24.5, और बटा में आपका 10 जो है वही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। इन सबको जोड़ लीजिए, ऊपर इन सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 70 और बटा में 10, 1 0 1 0 गया, 7 आ गया। तो यह आपका हो गया मीन डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू मीडियन। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एम, तो क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, ये तो ये आपका सिर्फ एक रॉ डाटा था, इसका हम लोग देख रहे थे। अब अगले वीडियो में है ना अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में जो दिया होगा उसका हम लोग मीन डेविएशन निकालना देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।